जर्मन कंपनी का यूक्रेन को बड़ा ऑफर। जर्मनी कंपनी राइनमेटल ने यूक्रेन को बड़ा ऑफर दिया है। यूक्रेन को KF-51 टैंक खरीदने का ऑफर दिया गया है। KF-51 टैंक खरीदने के लिए यूक्रेन ने भी रुचि दिखाई है। चलिए तो आपको बताते हैं कि वॉर जोन में जर्मन KF-51 टैंक जल्द। तो ये क्या है KF-51 टैंक? लेपर्ड 2 टैंकों की सप्लाई में देरी होता देख यूक्रेन ले सकता है ये बड़ा फैसला। अब तक अमेरिका के अब्राम्स टैंक भी नहीं पहुंचे यूक्रेन, तो ये कमी की वजह से, किल्लत की वजह से बड़ा फैसला हो सकता है। पोलैंड और दूसरे देशों से भी टैंक मिलने में देरी के चलते फैसला लिया जा सकता है। ज़ेलेंस्की फैसला ले सकते हैं। जर्मन कंपनी राइनमेटल के ऑफर पर जल्द फैसला यूक्रेन लेगा। जर्मनी के आधुनिक टैंकों में से एक है KF-51 पैंथर। राइनमेटल ने यूक्रेन में टैंक फैक्ट्री लगाने का भी ऑफर दिया है। सुमित जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये तो अपग्रेडेशन है हथियार का, टैंक्स का, आगे किस तरह से जंग लड़ी जाएगी, लेकिन और 2 साल युद्ध खिंचेगा? मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये नाटो का रिपोर्ट था शायद, उसने वो भी ये इस बात पे फोकस कर रहे थे कि आगामी कम से कम 1 साल तक ये युद्ध और चलेगा और इसके लिए यूक्रेन को तैयार करना होगा। लेकिन देख लीजिए विरोधाभास, अभी तक लेबर नहीं मिला, अब्राहम की क्या स्थिति इसके बारे में पता नहीं, जर्मनी की ये कंपनी ने कही है कि हम KF-51 देने के लिए तैयार हो रहा है और यूक्रेन भी रुचि दिखा रही, कुल मिला के आउटडेटेड है, आउटडेटेड ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाले, कुल मिला के। और सर जो एक आध पहुंचे भी है वॉर जोन, उनकी क्या हालत हुई? हमने देखा सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, वहां पर जो जमीन इतनी सॉफ्ट है उसमें जाकर फंस गए, उसके दलदल में जाकर कीचड़ में।